शिवपुरी कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने ग्रामीणों के साथ पहुंचकर शिवपुरी के डीएम कार्यालय पर डीएम से शिकायत की है और उन्होंने बताया कि अगर बिजली सब स्टेशन में आगरा सब स्टेशन की बिजली गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का कहना है कि अगर सब स्टेशन से जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है उनके क्षेत्र में फॉरेस्ट की जमीन में लाइट की पोल न करने की वजह से परेशानी हो रही है। इस परेशानी के निदान के लिए उन्होंने डीएम से शिकायत की है और बिजली चालू करवाने की मांग की है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कहाँ से आए हैं? बदरवा तहसील से आए हैं। क्या परेशानी लेके? समस्या ये है कि आज कोलर तस्वीर लगती है। आज जो भारत देश आजाद हो गए 77 वर्ष हो गए फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में लाइट की समस्या है। लाइट की समस्या ऐसी है कि मान लो अंधेरे में रह रहे हैं और सरकार कह रही हम आदिवासी हितेशी हैं। क्या परेशानी है आप बताएं? लाइट की समस्या प्रमुख है। कब से है, क्या है, कैसे विस्तार से बताएं? आज ये 77 साल हो गए लाइट की समस्या ये रही और पास में फीटर होने के बाद भी आज भी वन विभाग कहता है कि आप विद्युत विभाग से परमिशन लेके आओ और विद्युत विभाग कहता है कि वन विभाग से परमिशन लेके आओ। ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं और हम अंधेरे में रह रहे हैं। कितने समय से रह रहे हैं? अब ये सर 77 साल हो गए जब देश आजाद हुआ। समस्या के लिए स्थानीय विधायक को बताया आपने? 10 गांव अंधेरे में रह रहे हैं। 10 गांव ने अभी तक लाइट का दर्शन ही नहीं किया एक भी वक्त। जब पंप का कनेक्शन आता है सीजन पे आता है तब वो मिलता है, उसके बाद फिर वापस अंधेरे में रहते हैं। अच्छा, एक तरफ तो सरकार के लिए जो नई लाइट दे रहे हैं उस पे है, बाकी फीटर तब्दील होने के बाद भी लाइट की समस्या है। मुंडेरी, रामपुरी, कनेरा पंचायत, ऐसा 10 गांवों की समस्या है। ये लाइट का हिटर बन गया, लाइट चालू होने लगी। अपना नाम? मेरा नाम कल्याण गुर्जर, बसाई पंचायत से सरपंच हूं। तो लाइट का फीटर बन गया, लाइट चालू होगी, खम्मा भी डल गए। खम्मा डलने के बाद में फॉरेस्ट वाले ने रोक लगा दी कि रोड पे परमिशन चाहिए। अब आदिवासियों के लिए परमिशन देने के लिए रोड डली है, पंप लाइन गई है, उसके लिए परमिशन नहीं है। आदिवासी के लिए लाइन गई है तो परमिशन मांगे। क्या पहले विद्युत पुल गड़े नहीं थे क्या? जब पहले पंप लाइन थी उसी जहाँ से, तो पंप लाइन के लिए कोई नहीं दिया। जो लाइन बीपीएल लाइन गई है ना, पंप लाइन कोने चले नहीं, बीपीएल लाइन जो गई है ना वहाँ से, उसके लिए कोई परमिशन नहीं मांगा। मगर इन लोगों के लिए जो परमिशन मांग रहे हैं, किस लिए? रोड पर खम्मा गाड़ने के लिए परमिशन है। आज 6 महीना से इंतजार करती है। आपने डीएफओ साहब से इस बात पे चर्चा? बिल्कुल बताई। क्या क्या नाम उनका? परमिशन चाहिए, उसको परमिशन लेके आओ। विधायक जी ने परमिशन की बोली है, परमिशन दो तो परमिशन भी नहीं दे रहे। तो विधायक जी से क्या सवाल दिया? तो विधायक जी ने कि मैं जा रहा हूँ परमिशन लेके आ रहा हूँ, अभी तक 6 महीना हो गए अभी तक परमिशन नहीं मिला। तो क्या विधायक जी आपके साथ में अभी भी? हाँ, हमारे साथ में विधायक जी आए। क्या नाम उनका? विधायक जी है वीरेंद्र रघुवंशी जी। विधायक जी है अभी अंदर है, कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं। तो मतलब जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो यहाँ से नहीं हटोगे आप? आवेदन है हमारे पास, समय आवेदन दिए बेटा। आवेदन सर, आइए। परेशान होकर के आए हैं और काफ़ी अरसे से परेशान हैं, तो इनकी समस्याओं के विषय में अभी कोई चर्चा हुई? हाँ, चर्चा हुई है। यागरा और साथ ही अन्य गांव के लोग हैं तो यहाँ बिजली की लाइन को लेकर के, तो इससे पहले भी हमारी जो डीएफओ और एसीएमडी भी जो है इनके साथ मैंने विधायक जी भी गए तो उस समय हम लोगों ने चर्चा की थी। तो बेसिकली जो अभी अपडेटेड स्टेटस ये है कि चूँकि एमपीवी की तरफ से फॉरेस्ट को अभी कोई पहुँचा नहीं है, तो मेरी अभी जस्ट बात हुई है तो वो अगले 2-3 दिन के भीतर इनकी चीज़ें पहुँचाएंगी और 10 दिनों में हमारा काम पहुँचा। फॉरेस्ट एग्री है सर? हाँ, वो परमिशन देंगे, लीगली परमिशन, लीगल परमिशन, आवेदन करके परमिशन देंगे। सर, ये क्या समस्याएं थी जो परेशान होने यहाँ तक आना पड़ा इन लोगों को? आपके होते हुए हमारे क्षेत्र के परिवारजन हैं, रामपुरी, मुड़ेरी, अनेक गांव के। आगरा एक गांव है जिस पे हमने बिजली का सब स्टेशन, बरसों की मांग थी क्षेत्रवासियों की, माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निधि से स्वीकृत कराया था। उसका 75% काम मौके पर चालू होकर लगभग 17 से 18 गाँव में बिजली नए सब स्टेशन से मिलना प्रारंभ हो गई है। 8 गांव की बिजली में रोड के किनारे फॉरेस्ट में खंभे न गड़ने के कारण विलम्ब हुआ है। तो जो लोग आए हैं उन सब 8 गांव की बिजली के खंभे गड़ें और आगरा बिजली के सब स्टेशन से इनको बिजली मिले, इस मांग को लेकर आए हैं। ये समस्या हम लोगों के पहले से संज्ञान में है, प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी की बैठक में भी हमने इसको रखा था और इसका लीगली रास्ता निकाला है। चूँकि फॉरेस्ट ने संज्ञान ले लिया था कि जो बिजली के खंभे गाड़े जाने रोड किनारे उसकी विधिवत परमिशन ली जाए,
तो कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करके इसमें रास्ता निकाला है। दो दिन के अंदर फॉरेस्ट उसकी आवेदन फॉरेस्ट में लगेगा एमपीईवी की तरफ से, और 8 से 10 दिन का फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा है कलेक्टर साहब को कि हम परमिशन दे देंगे, उसके बाद रोड किनारे बिजली के खंभे गड़ जाएंगे। अगले 15 से 20 दिन में मुझे उम्मीद है कि इन बचे हुए गाँव को भी बिजली मिलने लग जाएगी। तो समस्या ग्रामीण जनों के लिए बड़ी है, लेकिन हम लोगों की दृष्टि में कोई समस्या है नहीं, रूटीन प्रक्रिया है, बस ये है कि विलम्ब हुआ है। पर विधायक जी, मेरा निवेदन ये है आपसे कि मैंने इनका वर्जन अभी लिया था, ये कह रहे काफी अरसे से ये लोग अंधेरे से जूझ रहे हैं, तो क्या आपके संज्ञान में नहीं आया, गांव गांव जाते रहते हैं? मेरे संज्ञान में था तभी तो सरकार नहीं मानी अपनी, सरकार हमारी मानी है, सरकार ने आदिवासी भाई बहनों का, क्षेत्रवासियों का सम्मान करते हुए मेरे आग्रह पर, इनकी मांग पर बिजली का सब स्टेशन 4 से 5 करोड़ का स्वीकृत किया, बनकर तैयार हो गया, 75% ग्रामीण क्षेत्र में बिजली भी जाना शुरू हो गई। ये सही है कि मांग 20-30 वर्ष पुरानी थी, उसी मांग को हमने पूरा किया है, लेकिन आप समझते हैं कि फॉरेस्ट में कोई काम करना है तो परमिशन आवश्यक होती है, उस परमिशन में विलम्ब हुआ है विभाग की ओर से, एमपीबी ने उतना ध्यान नहीं दिया। अब कलेक्टर साहब की और हमारी मध्यस्थता से 10 दिन के अंदर वो परमिशन आवेदन दे के परमिशन लेंगे, खंभे गड़ने के बाद 15-20 दिन में बिजली इन गाँव में भी पहुँचेगी। ग्रामीण संतुष्ट हैं कि आप जाम हटाएंगे? हटाएंगे ना, होना चाहिए संतुष्ट। हमारे मांग यही थी कि 8 दिन अंदर ये काम चालू हो जाए, कि जनता कोई दिक्कत नहीं, 8 दिन अंदर काम चालू कर दें, कह रहे विधायक साहब जी भी और कलेक्टर साहब जी भी, उसमें हमारे संतुष्ट हैं, हम घर जाते हैं, पूरा सहयोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।